हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो भाई एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि भाई एक कपड़े की दुकान का पोस्टर बनाओ, तो भाई ये जो मैंने वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ। तो कैसे आपको बनाना है इस वीडियो में जो उसी के बारे में बताऊँगा। पोस्टर तो आपने देख लिया होगा थंबनेल में किस तरह का पोस्टर है और कैसे उसको आपको बनाना है, उसके लिए आपको जो इस वीडियो को देखना पड़ेगा। वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप भी बना सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए मैं यूज करूँगा पिक्सेल एप्लीकेशन, इधर पे चलिए इसको क्लिक करके इधर पे ओपन करता हूँ। तो इधर पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने बनाया, ये जो बैनर मैंने कैसे बना हुआ है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जब आप अपने पिक्सेल एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आप जो स्टार्टिंग में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अभी आपको इधर पे करना है, अभी आपको इधर पे 3 डॉट का एक ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करके इमेज साइज का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इसका जो विड्थ है आपको विड्थ पे क्लिक करके इसको जो कट करना है जो कुछ भी लिखा गया है विड्थ आपको कुछ इस तरीके से इतना डालना है। इतना डालने के बाद आपको जो 1099 विड्थ डालने के बाद आपको डन करना है। उसके बाद आपको इधर पे ओके का ऑप्शन है, आपको इसको ओके कर देना। ओके करते ही आपके सामने जो कुछ इस तरीके से अभी आपको दिखाई देगा। इतना काम करने के बाद आपको इस फोर्थ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इधर पे कलर का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इधर पे कलर का ऑप्शन सेलेक्ट करके इधर पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको इधर पे जो कुछ इस तरीके से कलर लेना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा कुछ इस तरीके से चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग और इसको जो थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं। कुछ इस तरीके से आपको जो कलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको इधर जो नीचे ओके का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके कुछ इस तरीके से आपको जो इस कलर का बैकग्राउंड को लेना है, उसके बाद ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। इधर पे न्यू टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, इधर पे आपको डिलीट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है। इतना काम करने के बाद अभी आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इधर पर चले जाना है, इधर पर आपको एक डिज़ाइन लेना है, शेप लेना है, जो कुछ मैंने बनाए हुए तो इसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी आपको नीचे राइट का ऑप्शन क्लिक करना है, इसको यहाँ पे लाने के बाद आपको इस थर्ड वाले ऑप्शन क्लिक करके इधर पे आपको रिलेटिव साइज का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करके इसका जो हाइट विड्थ है आपको 100% रखना है। उसके बाद ऊपर राइट का ऑप्शन जो है क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद अभी आपको लेयर के ऑप्शन क्लिक करके इसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद दोस्तों अभी आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इधर पे सेव का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस सेव को जो यहाँ पे लाना है, लाने के बाद आपको इसका साइज कुछ इस तरह से बड़ा करना है और इधर से भी थोड़ा सा नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद दोस्तों इतना काम करने के बाद अभी आपको जो है कलर का ऑप्शन है तो आपको इसे प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो ये कलर है आपका कुछ इस तरीके से इसको जो यहाँ पे लाना है और इसका जो यहाँ पे कुछ इस तरीके जो सेट करना है कलर आपको, वो सेट करने के बाद आपको इधर पे जो ओके का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक कर देना है। ओके करने के बाद आपको जो कुछ इस तरीके से आपका जो बैकग्राउंड या कलर जो कुछ सेव बोल सकते हो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी आपको ऊपर राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों अभी आपको लेयर के ऑप्शन क्लिक करके इसको भी लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद वापस से आपको जो लेयर के ऑप्शन क्लिक करना है, अभी आपको वापस से प्लस के आइकन में क्लिक करके सेप के ऑप्शन में जाना है। जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सेप लेना है, इसका साइज कुछ इस तरीके से बढ़ाना है और नीचे से थोड़ा सा छोटा करके आपको जो इसको यहाँ पे ला के रखना है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे ला के रखना है। वापस से आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें भी कलर देना है आपको, तो कलर देने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको बनाना है जैसा भी आपको कलर चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों मैं इधर पे जो भी कलर यूज़ कर रहा हूँ आप वही कलर सेलेक्ट करो, आपके पसंद का जो भी कलर है, आप जो भी कलर पसंद करना चाहते हो आप वो कलर इधर से जो ले सकते हो। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कैसे आपको कलर लेना है, कैसे आपको बनाना है, जैसी आपकी इच्छा करे वैसा काम कर सकते हो। दोस्तों इधर पर आपको कुछ इस तरीके से कलर सेलेक्ट करने में नीचे ओके के ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर भी आपको जो राइट के ऑप्शन क्लिक करना है। इसका कलर जो मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा है, तो चलिए इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट कर दे रहे हैं हम लोग, इसको सिलेक्ट करते हैं। वापस से मैं जो इस पर एडिट के ऑप्शन पे जाता हूँ और कलर के ऑप्शन पे जाता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इधर पे रेड लाइट कलर में थोड़ा सा इधर पे लाके मैं रखता हूँ। उसके बाद वापस से जो मैं ओके का ऑप्शन क्लिक कर दे रहा हूँ, इसका कुछ इस तरीके से कलर आपको अभी दिखाई दे रहा है। ऊपर राइट के ऑप्शन चले क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों अभी आपको जो इतना काम करके हो चुका है, तो अभी आपको इधर पे करना क्या है, अभी दोस्तों आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको इधर पे करना क्या है, अभी आपको इधर पे चले आना है स्टॉक के ऑप्शन पे, इसको क्लिक करके इसको इनेबल करना है। उसके बाद आपको जो स्टॉक कुछ इस तरीके से बढ़ा देना है, कुछ इस तरीके से बढ़ाने के बाद आपको जो इधर पे करना क्या है दोस्तों, आपको इधर प्लस के आइकन है उस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको जो कलर सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऊपर जो सॉरी दोस्तों आपको नीचे जो ओके का ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको जैसा स्टॉक चाहिए आपको अपने स्पेस के हिसाब से वैसा आपको स्टॉक रखना है। उसको ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक करके इसको ओके कर देना है। तो अभी आपका जो कुछ इस तरीके से जो बैनर या डिज़ाइन जो कुछ भी इसका बैकग्राउंड बन चुका है कुछ इस तरीके से भी आपको दिखाई दे रहा है। अभी आपको इधर पे फोटो ऐड करना है दोस्तों, फोटो ऐड करने के लिए आपको फोटो डाउनलोड करना होगा। मेरे पास जो कुछ फोटो डाउनलोड पड़े हुए हैं, चलिए मैं उसको इधर पर सेट करके दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी जाता हूँ। जाने के बाद इधर मैं चलिए उस फोटो लेता हूँ जो मैंने रखा हुआ है इधर पर। तो इधर पर आप कुछ इस तरीके से मेरे फोटो है, इसको चलिए रोटेट करते हैं कुछ इस तरीके से। नीचे से भी राइट का ऑप्शन क्लिक कर दे रहा हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करके यानी कि रोटेट करके इसको जो यहाँ पे साइज बढ़ाता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको थोड़ा सा ऐसा करके कुछ इस तरीके से, और इसको ला के जो मैं यहाँ पे रखता हूँ इसका साइज थोड़ा सा और छोटा करते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। यहाँ पे चलिए सेट कर ले रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा और छोटा करते हैं
और इसको यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके सेट कर दे रहा हूँ। और वापस से लेयर के ऑप्शन क्लिक करता हूँ मैं, इसको जो यहाँ पे इस एडिट के ऑप्शन क्लिक करके इसको मैं जो है बैक साइड में कर देता हूँ, बैकवर्ड में। उसके बाद इधर मैं जो इस लेयर के ऑप्शन क्लिक कर दे रहा हूँ, इसका मेरा जो फोटो करके सेट करके हो चुका है अभी। वापस मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, फ्रॉम गैलरी जाता हूँ और मैं कुछ इधर पर जो है कुछ लड़के लोग का PNG इमेज ले लेता हूँ। इधर मैं इसको लेता हूँ जैसे लड़की का इमेज है, इसको लेने के बाद इधर पर नीचे राइट के ऑप्शन क्लिक करता हूँ, इसका साइज़ जो थोड़ा सा छोटा कर कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर रखता हूँ मैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए ऐसा करने में दोस्तों आपको जो भी आप फोटो ले रहे हो, फोटो को सिलेक्ट करने में दोस्तों आपको इधर पे शैडो का ऑप्शन क्लिक करके इसको इनेबल करना है। और इसका जो ब्लर रेडियस है 0% पे रख के आपको जो ऑफसेट वाई एक्स को जो 1% तक रखना है। रखने के बाद दोस्तों आपको जो इधर पे जैसे मैंने ये भी इमेज लिया है, तो चलिए इसमें भी वही काम कर लेते हैं। शैडो का ऑप्शन क्लिक करता हूँ मैं इस फोटो को सिलेक्ट करके, उसके बाद इसको इनेबल करता हूँ, ब्लर रेडियस को 0 करता हूँ और इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं इधर पे। इसको चलिए 1 पे ही रखते हैं, 2 पे रखते हैं, सॉरी दोस्तों 2 पे रखते हैं, इसको भी 2 पे रखते हैं हम लोग। वापस से जो इधर पे ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक कर देता हूँ मैं, और इधर पे मेरा जो कुछ इस तरीके से भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर पे आप जितना आपके पास स्पेस बचा हुआ है इधर पे साइड में आप जो फोटो लगा सकते हो आपके हिसाब से। मैंने आपको एक तरीका बता दिया कैसे आपको सेट करना है फोटो। फोटो को लगाने के बाद दोस्तों आपको इधर पे अभी जो लिखना है आपका टेस्ट ही बाकी रह गया लिखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इधर बीच में किसी गॉड का यानी किसी भगवान का PNG इमेज यूज करना है तो आप वो भी लगा सकते हो। प्लस के आइकन में क्लिक करके फ्रॉम गैलरी जाना है, और इधर भी मेरे पास कुछ PNG इमेज है, इसको चले सेलेक्ट करके कुछ इस तरीके साइज में छोटा करता हूँ और इधर पे जो यानी कि क्रॉप कर लेते हैं हम लोग। क्रॉप करने के बाद इधर पे नीचे राइट के ऑप्शन क्लिक करके इसका साइज कुछ इस तरीके छोटा करता हूँ मैं। छोटा करने के बाद इसको बीच में यहाँ पे रखते हैं हम लोग। उसके बाद इधर पे चले जाता हूँ मैं कलर फिल्टर के ऑप्शन पे, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। जैसा भी आपको कलर पसंद है आप वो कलर ले सकते हो इधर पे कुछ इस तरीके से। उसके बाद इधर पे मैं जो ऊपर राइट का ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक कर देता हूँ मैं कुछ इस तरीके से। मेरा जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोस्तों इधर मेरा जो इमेज है इसलिए मेरा जो परफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो सेट कर लेना है आपको। सेट करने के बाद दोस्तों आपको इधर भी अभी करना क्या है, अभी आपको इधर पर जो अपने शॉप का नाम लिखना है, आपके शॉप में क्या क्या मतलब किस किस टाइप के जो कपड़े मिलते हैं वो सब किस किस टाइप के कपड़े मिलते हैं दोस्तों। आपको जो ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको सर्कल शेप है, आपको इसके अंदर लिखना होगा जैसे आपने मेरे बैनर में या पोस्टर में देखा होगा। और इधर पर आपको जो भी स्पेस बचा हुआ इधर पर आपको अपना नाम लिखना है, इधर पर आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना, जो कुछ भी आप देख सकते हो। तो अभी आपको उसको कैसे करना, चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक टेक्स्ट लिखना, वैसे आप अपने बैनर में जो कुछ भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हो। तो सबसे पहले इधर प्लस के आइकन क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट के ऑप्शन क्लिक करता हूँ और इधर पे न्यू टेक्स्ट आ चुका है। तो दोस्तों अभी आपको हिंदी में लिखने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। क्योंकि एप्लीकेशन क्यों डाउनलोड करना होगा दोस्तों, क्योंकि जो फॉन्ट है उसका यूनिकोड निकालने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। तो एप्लीकेशन का नाम है इंडियन फॉन्ट का, उसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए इस पर क्लिक करके इसको ओपन करते हैं। जिससे दोस्तों आप इसको ओपन करोगे इसका होम पेज कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो इधर पे आपको अभी आपको इधर पे आने के बाद करना है, आपको इधर पे पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यूनिकोड टू श्रीदेव, आपको इस ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो कुछ इस तरह से लुक नजर आएगा, उसके बाद आपको इधर पे लिखा है टाइप यूनिकोड टेक्स्ट हियर, तो आपको इधर पे टाइप करना है। टाइप करते ही आपका जो कीबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अभी आपको अपने कीबोर्ड को हिंदी में करना है कुछ इस तरीके से। हिंदी में करने के बाद दोस्तों अभी आपको जो इधर पे जो कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल अपना नाम लिखता हूँ इधर पे। नाम लिखने के बाद आपको करना क्या है दोस्तों, नाम लिखने के बाद आपको इधर पे जो बैक आना है, बैक आने के बाद आपको इधर पे लिखा यूनिकोड टू सीधे करके इधर बीच में लिखा गया, आपको इस पर टाइप करना है। टाइप करते आपके सामने नीचे जो यूनिकोड मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको इधर पे कॉपी का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करके जो कुछ भी है इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको वापस से जो अपने पिक्सल एप्लीकेशन में आना है, तो मैं इधर पे आ चुका। आने के बाद दोस्तों आपको इधर पे जो न्यू टेक्स्ट दिखा दे रहा है इस पर आपको डबल टाइप करना है। इधर पे जो कुछ भी लिखा है इसको कट करके हटाना है इधर से। उसके बाद आपको इधर पे पेस्ट करना है जो अपने उस एप्लीकेशन से कॉपी किया उसको पेस्ट करना, डन करना है इधर पे। उसके बाद ओके करना है दोस्तों, इसका साइज कुछ इस तरीके से बढ़ाना है। उसके बाद एक ऑप्शन क्लिक करके दोस्तों इधर पे आपको चले आना है कलर के ऑप्शन पे, और प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। इधर पे येलो कलर में सिलेक्ट करना है। जैसे इधर पे दोस्तों आपको जो भी कलर पसंद है आप वो कलर ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं जो भी कलर बोल रहा हूँ आप वही कलर लो, सिलेक्ट करो वही कलर, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप जो भी कलर पसंद करते हो, आप जो भी आपका पसंद कलर आप वो कलर ले सकते हो। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ बस। इधर पे आपको कलर सेलेक्ट करने वाले ऊपर सॉरी आपको नीचे ओके का ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद आपका टेक्स्ट कुछ इस तरीके दिखा देगा, ऊपर राइट के ऑप्शन जो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर पे चले आना है फॉन्ट के ऑप्शन पे। फॉन्ट के ऑप्शन पे आने के बाद माई फॉन्ट के ऑप्शन क्लिक करना है दोस्तों। और अभी आपको इधर से कोई भी एक फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं, अगर आपको पता नहीं कि पिक्सल एप्लीकेशन में फॉन्ट को ऐड कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। तो इधर पे चलिए मैं कुछ इधर से फॉन्ट को सिलेक्ट करता हूँ। ऐसा नहीं दोस्तों, जो मैंने अपने बैनर में यूज किया था फॉन्ट आप भी वही फॉन्ट यूज करो, आपका पसंद का जो भी फॉन्ट है आप वो फॉन्ट यूज कर सकते हो। मेरे पास कई सारे फॉन्ट इधर पे जैसे मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। साइड में आपको इधर पे साइड में आपको उसका फॉन्ट का डिजाइन भी देखने के लिए मिल रहा होगा, देख सकते हो इधर पे कुछ इस तरीके से। तो मान ली एग्जाम्पल जैसे मैंने ये वाला फॉन्ट को सिलेक्ट किया, इधर पे नीचे ओके का ऑप्शन क्लिक करता हूँ और इसका साइज कुछ इस तरीके से बढ़ा दे रहा हूँ इधर में कुछ इस तरीके से। अपने स्पेस के हिसाब से ही आपको साइज रखना है। उसके बाद आपको इधर पे चले आना है अपने शैडो के ऑप्शन पे। आने के बाद आपको इसको इनेबल करना है, ब्लर रेडियस पूरा 0% पे रखना है।
और इसको आउटर ग्लो को ऑप्शन को इनेबल करना है, और जो इसको 1% या 2% के आसपास जैसा भी आपको अच्छा लग रहा है वैसा आप रख सकते हो। तो इधर पे आपको ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। ऐसे दोस्तों आपको अपने बैनर में जो कुछ भी हिंदी में लिखना है आप ऐसे ही लिख सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में लिखना है दोस्तों तो उसके लिए आपको प्लस के आइकन क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है। जाने के बाद आपको इधर पे जो भी कुछ भी लिखना है, जैसे मैं इधर पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहता हूँ, इधर मैं इसको मैं कट करता हूँ, अपने कीबोर्ड को हिंदी में करता हूँ। इधर पे जैसे मैं लिखता हूँ मोबाइल नंबर दे रहा हूँ मैं, इधर पे मैं मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ फटाफट। तो इधर में जैसे मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ मोबाइल नंबर, इधर पे जैसे मान लीजिए मेरा नंबर जो टाइप करके हो चुका है, अभी डन करता हूँ मैं, इधर पे ओके करता हूँ। और इधर मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर जो कुछ भी आ चुका है इसको आपको साइड में लाना है कुछ इस तरीके से। साइड में लाने के बाद आपको इधर पे कलर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करके जो भी कलर आप देना चाहते हो दे सकते हो, और प्लस के आइकन क्लिक करके इधर से भी आप कोई भी कलर को जो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको इधर पे ओके का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इधर जो ऊपर भी ओके का ऑप्शन क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद आपको इधर फॉन्ट के ऑप्शन पे आना है, और इधर पे आपको कई सारे जो फॉन्ट मिल जाते हैं पिक्सल एप्लीकेशन में ही, तो आप इधर से जो भी फॉन्ट पसंद है आपको फॉन्ट इधर से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे ओके का ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको जो टेक्स्ट इधर पे आ जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है इसको। ऐसे दोस्तों आपको जो अपने बैनर में हिंदी या इंग्लिश में जो कुछ भी जैसे भी लिखना है, जिससे दोस्तों मैंने आपको ये हिंदी में लिख के बताया, वैसे आपको जो इधर पे ये बॉक्स दिख रहे हो सेप, इधर पे आपको कि जो आप सेप दिख रहे हो इसके अंदर जिससे आपके शॉप में जो कुछ भी जैसा भी कैटेगरी का कपड़ा मिलता है वो जो नाम इधर पे इसके सेप में लिख सकते हो। और नीचे जो आपको ये पट्टी दिखाई दे रहा है आपको इस पट्टी पे दोस्तों आपको अपना एड्रेस लिखना है, जहाँ पे भी आपका शॉप है जो कुछ भी है तो आपको उधर पे एड्रेस लिख देना है। इतना काम करते ही बस दोस्तों आपका जो बैनर है शॉप का बैनर बिल्कुल बनके तैयार हो जाएगा आसान तरीके से। तो जाइए अभी ट्राई कीजिए दोस्तों, आपको इधर जो कुछ मैंने यूज उसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।